चाहिए। अब हम लेके आए पौधे जो आपके नीचे बरसाती नाले से, इस पौधे को हम अभी हम गमले में शिफ्ट करेंगे। ये साथ हम वहां से मट्टी लाए थे, या मट्टी इसको ले लें कुछ यहाँ से लोकल, यहाँ से भी मट्टी ले लेंगे क्योंकि हमने खाली की है गमले कुछ। और इसके अंदर आप ये पौधा जो है थोड़ा साय में रहता है, इसको ज्यादा धूप में रखना नहीं है, इसको बेहतर है कि साय जगह पे रखे या जमीन में भी लगा सकते। और इसको ज्यादा नमी भी चाहिए, नमी चाहिए इसको। ये हम लेके आए थे, इसकी भी जड़ें निकली हुई हैं। इसको आप ये दरख्त बनेगा, दरख्त बनेगा, इसको नीचे लगा सकते हैं। बल्कि बोनसाई का जो पौधे होते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मिट्टी है। ये उसमें आप तीन तरह के, एक तो पत्तों वाली खाद उसको, और इस मिट्टी को अगर आप यूज करें, और अगर आप आपके पास मिल जाता है आपको जो लकड़ी की जो खाक होती है, राख जो होती है, वो भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस स्वागा इसको बोलते हैं। अंदर स्पार्ट मेरे ख्याल में 500-500-200 का वो लगा, तो 1000 रुपए का तो ये माल पड़ा हुआ था। जो हम करंग से लेते हैं, जो हमारी नालों के आसपास है, ये भी हमने कटिंग पैटर्न लगाई है। दो वो है, तो इस तरह आप लोग अपने गार्डन से कटिंग बनाएं और पौधों को मल्टीप्लाई करें, और किसी बंदे का इंतजार ना करें कि बंदा आएगा और हम करेंगे, हम खुद ही बंदे बन जाते हैं। चलो, थैंक यू।